गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ कि मैं अपना क्रिसमस ट्री कैसे डेकोरेट करती हूँ और मैं अपना घर कैसे सजाने वाली हूँ क्रिसमस में। हर एक साल मैं अपना क्रिसमस ट्री थोड़े अलग तरीके से डेकोरेट करती हूँ, तो इस साल का मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस साल नया क्या होने वाला है। तो चलिए हम लोग आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आई होप आप लोग इस ब्लॉग को जरूर इंजॉय करेंगे। तो चलिए हम लोग ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास कुछ डेकोरेटिव आइटम्स है जो कि कुछ लास्ट ईयर के हैं और कुछ मैं इस साल लेकर आई हूँ। तो ये सारी चीज़ों से मैं क्रिसमस ट्री सजाने वाली हूँ। और ये सारे कुछ छोटे छोटे बोज हैं और ये कॉटन है जो कि मैं स्नो की तरह यूज़ करने वाली हूँ। तो इसी जगह पे मैं अपना क्रिसमस ट्री लगाने वाली हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ठीक करूँगी। तो मैं टारगेट से बहुत सारी चीज़ें डेकोरेट करने के लिए लेके आई हूँ, जिसमें से ये एक है। मुझे ग्रीन कलर का एक टेल मिला है जिसे मैं अभी वॉल में सजाने वाली हूँ। तो आप इसे देख सकते हैं, ये बहुत ही क्यूट लिटिल बो है जिसे मैं सारे हाफ सर्कल में लगाने वाली हूँ। ये सारे हाफ सर्कल में बो लगाने के बाद इसका शो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसे लगाया है। और ये मेरे पास रीथ है दो जिसे मैं वॉल में लगाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा वॉल अब बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट हो चुका है। तो अब मैं लगाने वाली हूँ क्रिसमस ट्री। अब टाइम है क्रिसमस ट्री डेकोरेट करने का। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे मैं ट्री को डेकोरेट करने वाली हूँ, बॉल्स, बेल, ये सारी चीज़ों से। इस साल मैं फर्स्ट टाइम ट्री में रिबन लगा रही हूँ,
मैंने बहुत किसी के ट्री में देखा रिबन लगे हुए, तो मुझे अच्छा लगता था इसलिए मैंने पहली बार इसे ट्राई किया है। तो हाँ, आप लोग भी इसे ट्राई कर सकते हैं। रिबन लगाने के बाद ट्री देखने में सच में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है। हमारे ये क्रिसमस ट्री देख सकते हैं, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।